आदर आदर दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपके छोटे छोटे उपाय हम लोग रोज आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं, आपके जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। और इस मेरी वास्तु की सीरीज में, वास्तु की सीरीज नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भी आपको देने जाऊंगी 3 ऐसे जबरदस्त टिप्स जिनको करते ही आपके जीवन में चमत्कार आना शुरू हो जाएगा। वो 3 टिप्स कौन से हैं? सबसे पहले तो एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपकी एफिशिएंसी जो है वर्क प्लेस में बिल्कुल खत्म हो गई है, आपके वर्क में आपके जो दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज जो है वो नहीं आते हैं, आपके दिमाग में जो है एफिशिएंसी जो है वो नहीं आती है और आप जो है एफिशिएंट नहीं है, आपको जो है अपने बॉसेस से बार 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 सुनने को मिलता है कि आप क्रिएटिव नहीं है, ऐसा आपके साथ में होता है? आपके बॉस आपको कहते हैं कि आप डंप हैं, आप क्रिएटिव नहीं हैं, आप कुछ अच्छे आइडियाज नहीं देते हैं। तो ऐसा कौन सा आपको उपाय जो है वो करना है कि जिसको करने से आपके जीवन में चमत्कार आना शुरू हो जाए? तो ऐसे ही बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज और जॉब में नए चांसेस और ये सब लाने के लिए आपको क्या करना है कि अपने नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वहां पर आपने क्या करना है कि एक चेस जो है आपको लेकर आनी है। ये देखिए, चेस जो है मैंने यहाँ पर रखी हुई है, चेस लेकर आनी है। और आपने जो चेस आपने लेकर आनी है, उसके बाद जो आपका जो सपोज कीजिए, आप अपने मन में सोच लीजिए कि ये ब्लैक वाला जो पर्सन, ये जो ब्लैक वाली जो ये गोटियां हैं ये मेरी है और ये जो है आपका कॉम्पिटिटर है, सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, आप जॉब करते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर है, तो आप क्या करेंगे, सामने वाला जो ये व्हाइट गोटियां हैं इनको इसके बीच में रखकर आप सारे जो ये प्यादे बोलते हैं हम चेस में, और जो घोड़ा होता है यहाँ पर, हॉर्स होता है, इन सबसे इसको चेकमेट कर दीजिए। यानी कि राजा ने जो है ये सारे सारे राजा और रानी दोनों को आपने जो है आपके प्यादों ने, आपके घोड़े ने और जो है आपके राजा ने इनको घेर लिया है। ये देखिए, इसको चेकमेट करके आपको जो है अपने यहां पर पूरा अपने जाल पूरा बनाकर ऐसे पूरा कि आपने इसको पूरा चेकमेट कर लिया है कॉम्पिटिटर को। तो ये आपने क्या करना है कि ये ऐसे सोचकर आपने जो है इसको नॉर्थ की डायरेक्शन में आपने रख देना है। आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो आपकी आने लग गई है वर्क प्लेस में, और आपका नॉर्थ जोन जो है वो बहुत एक्टिव हो जाएगा और आपको काम में जो है सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अब आपने अपने कॉम्पिटिटर को, अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपने कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ने के लिए आपने ये चेस रख ली है। अब आपका मनी फ्लो कैसे आएगा? मनी फ्लो लाने के लिए टिप नंबर 2 मैं आपको देना चाहती हूँ। टिप नंबर 2, आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में, आप साउथ ईस्ट जिसको हम अग्नि कोण बोलते हैं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुमा हिंदी में बता दिया कीजिए, तो यहां पर ये चेस जो है वो आपको उत्तर की दिशा में रखनी है। साउथ ईस्ट जो हमारा अग्नि कोण होता है और वहां पर आपने जो है क्या रखना है, वहां पर आपने फायर लगानी है, थोड़ी सी फायर। कई लोग आर्टिफिशियल फायर भी लगाते हैं, एक होटल जो है वो नहीं चल रहा था, उसके साउथ ईस्ट में मैंने फायर लगाई थी और उसके बाद वो होटल बहुत जबरदस्त चलने लग गया। ये टिप मैं आपको बता रही हूँ। उनके पास जो है वो क्लाइंट्स नहीं आते थे, तो जैसे ही फायर वहां पर जलनी शुरू हुई तो वहां पर जो है क्लाइंट्स भी आने लग गए, लोग होटल जो है वो पूरा ऑक्यूपाई रहने लग गया। दिल्ली का बहुत बड़ा 5-स्टार होटल है, नाम यहां पर मैं नहीं लूंगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपने जो है 10 घर के, 10 उनके पास घर थे, उनके पूरी फैमिली मेंबर्स के 10 घरों की मैंने उनके घर की वास्तु की। सिर्फ एक ये चीज उपाय करते, क्योंकि उनके पास इसी चीज की प्रॉब्लम थी। वो ये कहते थे कि लोग आते नहीं है होटल, इतना सुंदर, लोग आते नहीं है और साथ में इतने सारे होटल जो थे सारे ऑक्यूपाई रहते थे, वही होटल नहीं चलता था। दिल्ली का होटल है और बिल्कुल नॉर्थ दिल्ली में बहुत बड़ा होटल है। उसके बाद उनके 10 घरों की मैंने, बंगलोज की उनकी मैंने वास्तु करवाई और बोले वो इतने खुश हैं आज। आप देखिए, फायर यानी कि मनी का फ्लो आपको कैच करना है, मनी कैच करनी है, तो आपने वहां पर आर्टिफिशियल फायर का आप कुछ भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो एक, आप देखते थे पहले के घरों में एक ऐसे जैसे चिमनी सी बना देते थे राजा महाराजाओं की, वहां पर फायर जलती थी, लकड़ियां जलती थी,
और वो जलती रहती थी, उसकी हीट जो है वो छत से बाहर निकल जाती थी। आप वो राजा महाराजा भी वास्तु पर काम करते थे। आप देखेंगे जयपुर में जो है पूरा वास्तु के अकॉर्डिंगली सारे महल वगैरह बने हुए हैं, और भी उधमपुर वगैरह में भी महल मैंने बड़े विजिट किए हैं, वो भी पूरे वास्तु के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं। वास्तु को हमारे पीछे से ही बहुत सारे लोग जो है वो मानते हुए आ रहे हैं, और वास्तु का हमारे जीवन पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी कुंडली से ज्यादा आपकी वास्तु पर, क्योंकि आप पूरा दिन तो अपने घर पर रहते हैं, और लेडीज पर तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो घर पर रहती हैं। जो लोग घर पर रहते हैं, और वास्तु जो है वो किस पर इफेक्ट करती है, जिसकी कुंडली सबसे ज्यादा कमजोर होती है, जिसके ग्रह सबसे ज्यादा वीक होते हैं, वास्तु पुरुष उसी को पकड़ता है, उसी को ही जो है ज्यादा वीक करता चला जाता है। तो टिप नंबर टू आपने लिख ली है, टिप नंबर वन मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ में आपको चेस्ट रखनी है। अगर आपको बिजनेस में प्रॉब्लम लग रही है, आपकी जो है जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप ये उपाय कीजिए, आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन डायरेक्शन जो है वो आपको चेक करनी है, डायरेक्शन के लिए आपके पास मैप जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन अगर आप गलत लगा देंगे तो आप फिर बोलेंगे क्या कहते हैं कि गुरु मां ये क्या कर दिया, अब आप जो है अब मैंने आपको नॉर्थ में कहा तो अब अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कर देंगे तो वहां पर डिप्रेशन का जोन है, तो वहां पर क्या होगा, डिप्रेशन ही होगा, काम काज में एकदम से डिप्रेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए चूज द राइट डायरेक्शन टू प्लेस द ऑब्जेक्ट। तीसरा टिप जो मैं आपको देने जा रही हूं, एक तो आपने जो है साउथ ईस्ट में फायर लगा ली, और तीसरा टिप जो है आप एक कुबेर जी की मूर्ति भी आप अपने घर में, गोल्डन कलर की मूर्ति होती है, और एक लाके दिखा दूं मैम, कुबेर जी की मूर्ति जो है वो भी आप अपने घर के नॉर्थ की डायरेक्शन पे अगर आप रखते हैं तो उससे भी आपको बहुत बहुत जो है वो बेनिफिट होता है। कुबेर जी जो है, देखिए माता लक्ष्मी जो है वो कौन है, धन की देवी है, और कुबेर जी उनके फाइनेंस मिनिस्टर है। माता लक्ष्मी अगर धन की देवी है तो कुबेर जी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्या काम करता है, फाइनेंस को आपके मैनेज करता है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, वो फाइनेंस को मैनेज करता है। और ये मेरे जो है वो गुरु की दी हुई मेरे पास मूर्ति है, मेरे गुरु जी ने मुझे ये मूर्ति दी थी। तो ये जो है मैं हर दिवाली पर इसे गोल्ड की प्लेटेड करवाती हूँ, गोल्ड प्लेटेड करवाती हूँ। और ये जो है मैंने कुबेर जी का, कुबेर का रुद्राक्ष भी कुबेर जी के को पहना रखा है। तो एक ऐसी ये कुबेर की मूर्ति आप कहीं से ले आइए, ब्रास की ले आइए, पीतल की ले आइए, तो उस मूर्ति को जो है आप अपने घर के नॉर्थ में रखिए, आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, आपके काम जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये है मेरी तीन टिप्स जो मैं आपको देना चाहती थी, और ऐसे ही आपको और टिप्स भी देते रहूंगी। आप मेरी वास्तु सीरीज को जो है देखते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे और जो है ट्विटर पर भी हैं, और आप हमारा फेसबुक पेज आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जरूर 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 इन चीजों को फॉलो कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।